भारतीय रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सबसे जो वर्निंग इशू है वो नई पेंशन स्कीम का है कि नई पेंशन स्कीम रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, जिससे जो रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी मिल सके, फैमिली को सिक्योरिटी मिल सके, कम से कम न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन जो पुराने पेंशन लेने वाले हैं उनसे कम ना मिले, DCRG मिले, और फैमिली को भी जब महंगाई भत्ता बढ़ता है जैसे पुराने लोगों को मिलता है, इस तरह जो है नए जो साथी हैं उनको भी महंगाई भत्ते का बेनिफिट मिलना चाहिए। खाली पोस्टें जो 2.5 लाख रेलवे के अंदर है उसको भरा जाए और ठेकेदारी को कम किया जाए। जो नई गाड़ियाँ चलती हैं, नए इंजन, जो नए स्टेशन बनते हैं, प्लेटफॉर्म बनते हैं, उनके लिए बिना मैचिंग सेवे के जो है पोस्टें सेंक्शन की जाए। रेलवे के अंदर काम बड़ा है और स्टाफ की कमी है, उसको पूरा किया जाए।